हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग में हम कहीं घूमने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं मेरे को पता नहीं है। महेंद्र भाई बता रहे थे कहीं जा रहे हैं, तो इनको पूछते कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं महेंद्र भाई? हम जा रहे हैं यहाँ से 35 किलोमीटर दूर कैलेश्वर महादेव। एक अच्छा वाटरफॉल है और सबसे अच्छा स्थान उदयपुर में। बहुत अच्छी अच्छी व्यूज है, बहुत अच्छी अच्छी जगह है, जिसमें से ये भी एक अच्छी जगह है, कैलेश्वर महादेव। जहाँ पे वाटरफॉल होता है वहां जाएंगे हम। पूरी टीम के साथ जा रहे हैं। वहां पे कुछ खाएंगे भी, बनाएंगे भी, खुद बनाएंगे। वो क्या क्या बनाते हैं, क्या खा खाते हैं, बिल्कुल ये सब हम आपको बताएंगे। अब महेंद्र में थोड़ा कैलेश्वर महादेव झरने के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। बिल्कुल, कैलेश्वर महादेव झरना उबेश्वर जी से 7 किलोमीटर दूर है और बहुत अच्छा वाटरफॉल है। वहाँ महादेव का स्थान है, बहुत अच्छी नदी बह रही है। वो उदयपुर का एक सबसे बरसात के दिनों में एक रमणीय स्थल है। वहाँ पर हम जाएंगे, वहाँ हम खुद खाना बनाएंगे, साथ में गैस टंकी ले जा रहे हैं, टेंट ले जा रहे हैं, और देखो आगे क्या क्या होता है। देख लो, इतना कुछ लेके जा रहे हैं, मजा तो खूब आने वाला है। आपको पूरा दिखाते जाएंगे हम क्या बनाते हैं, क्या खाते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। लेट्स स्टार्ट। उसको बुलाता हूं। अभी लड़के आए नहीं है, सिर्फ गुस्सा आ रहा है। और हमारे साथ एक बंदा और है, ये स्पेशल बंदा आया हुआ है काठमांडू से। काठमांडू मतलब नेपाल। इसको आए हम लेके जा रहे हैं कैलाश्वर जी महादेव झरने पे। नेपाल भी चलना है, नेपाल भी चलना। और एक काठमांडू जा सकते ना, काठमांडू में रहता है। काठमांडू से उदयपुर आया तो इसको थोड़ा घुमा लेते हैं। आपको खूब मजा आने वाला है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। काम तो करते रहना, जीवन भर ही है। टीम आ नहीं रही है महेंद्र भाई की, इसलिए महेंद्र थोड़ा गुस्सा होते हुए खाली दे रहे आप है। काम करते रहना, मतलब ऑफिस का। गुस्से में गाली निकली जाती है, क्या करना यार। गुस्सा बहुत ही खराब चीज है, इसलिए वो कभी नहीं करना चाहिए। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट टुवर्ड्स कैलाश्वर जी महादेव झरने की तरफ जा रहे हैं। हमारी पूरी टीम है, उनसे अभी हम मिलाएंगे, जो गैस सिलेंडर की टंकी लेके आ रहे हैं, टेंट लेके आ रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आई होप आपको भी मजा आ रहा होगा हमारे साथ। ओके, महादेव जी का दर्शन करने जा रहे हैं। और कहते हैं कैलाश, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हेलो, बोलो। हाय, कहाँ चल रहे हैं अभी हम? अभी अपन घूमने चल रहे हैं। घूमने चल रहे हैं, बिल्कुल। भैया आपका नाम? विनोद परमार। विनोद परमार, ठीक है। और साथ में एक और जुड़े हमारे साथ, उनको दिखाते हैं। ब्लर कर देता। अरे यार, इनको परिचय क्या, इनका नाम ही काफी है। बोलिए अपना नाम। नाम ही काफी है, बस नाम ही एड्रेस है और एड्रेस ही नाम है। कहाँ जा रहे हैं? बस आज मस्ती करने के मूड में है, ठीक है। कैलेश्वर महादेव, जय महादेव। आज कुछ तूफानी करेंगे। ब्लॉग बन रहा है, ब्लॉग इस ब्लॉग को चढ़ा देंगे उदयपुर में। मेरी वो तुम्हारा एक रील बनाते हो, सबसे पहले मेरी चोरी लाइक करती है। अब ऐसे सुनो, आज नहीं जा रहे हो, कल घर वालों को घुमा लाना, नहीं तो फिर लड़ाई होगी। मैंने कहीं नहीं गई, जा रहा हूँ घूमने। ये कौन सा क्या है? ये तो जरूर डालना, यही डालना, ठीक है ना? अच्छा, ये लिख लिया है ना? हाँ, नहीं पर प्रोग्राम बनाया परिन जी ने। परिन जी तो हमेशा ही बनाते हैं। मैं अपन जा रहा है, जुड़ गया हमारे साथ। इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, दिखा दिया। अभी दो तीन और आ रहे हैं, वो हमारे साथ सामान लेके आ रहे हैं, गैस टंकी टेंट पता नहीं क्या क्या लेके आ रहे हैं, नींबू मिर्ची धनिया पाउडर सब लेके आ रहे हैं। पूछो मत, सबको पता नहीं क्या क्या बनाएंगे। शुरुआत ऐसी है, आगे क्या क्या होगा। फाइनली लास्ट दो बंदे जिनका हम इंतजार कर रहे हैं वो लोग आ गए हैं, अब उनसे मिलाते हैं। नोजल के बाद, अरे यूं मत बोलना भाई। ये अगला इंसान है जो जू मत बोल रहा है, ये हमारे साथ नेक्स्ट है। और नेक्स्ट कौन है? दिक्की को लो, फटाफट सामान सामान लोड कर रहे हैं। वीडियो हां, चलो सामान लोड कर रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं वो थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूं विस्तार से। हम फिलहाल स्कॉर्पियो लेके जा रहे हैं, अब सामान लोड होगा। दूध, कांदा, टमाटर, भैया इसका क्या करने वाले हम, इतना एक एक थैली दूध का, एक एक बनाएंगे दूध के पकौड़े। ये देखो एक गैस, ओहो सोयाबीन का तेल, ये बर्तन, क्या बात है। ओ तेरी। सो गाइस, अब हम तैयार है, हमारे साथ पूरी टीम है, ये गाड़ी है, इसके ऊपर हम जाने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। का मौसम बहुत ही जबरदस्त है, दही भी ले लेंगे ताकि रायता भी बनाएंगे ना। ये रायता फैलाने के चक्कर में आज पूरी तरह से
बस हम रायता जा नहीं रहे, बाकी हम रायता जा रहे हैं। आज मैं बोल रहा हूँ बहुत इतना अच्छा मौसम है, अंदर उससे ज्यादा माहौल है, खूब मजा आने वाला है। टमाटर तो मना करते हैं, नहीं लेना। इधर चक्कर बड़ा हुआ है, टमाटर लेना, प्याज लेना। टमाटर 150-150 रुपए किलो इसलिए निकाल दिया, तो भी मान नहीं रहे हमारे साथ। अरे यार मैं यूं सोच रहा हूँ, 2 किलो खाता ही है। मैं यूं सोच रहा हूँ टमाटर की बियर तो 150 की, टमाटर से पतरी होती है गाइस, बियर कोई नहीं पीता, पतरी निकलती है। पर अभी सावन का महीना चल रहा है, तो इसीलिए तो सोच रहा हूँ लिया थोड़ी ने। देखो जी, जिसके घर पे देखेंगे थप्पड़ बहुत चलेंगे घर पे, इसलिए सोच समझ के बोलो। जो बंदा बियर, ये क्या है, ये अकेला है, थप्पड़ खिलाने वालों में, खाने वालों में नहीं। इसको क्या है कि आदत पड़ी है और हम लोग बहुत नहीं। एक बात बताओ, बियर कौन कौन पीता है? कोई नहीं पीता यहाँ बैठे इसमें से तो कोई नहीं। बियर वाला इतना बियर क्या चीज है, बियर होती क्या? ये हम चीज तो नहीं लेते। ये हम पुनीत भैया को पूछेंगे। पुनीत भैया नहीं भाई, बियर क्या होती है? अरे का बता तो सही। नहीं नहीं, बियर बियर तो जंगल का जानवर है। बस मेरे नॉलेज में वही है। निंद्रा बियर क्या होती है? पता है, आज तक कभी देखी नहीं बियर। अच्छा अच्छा, बियर आपको नहीं पता क्या होती है? हिरन भालू होता है, बियर क्या होता है? भालू, बियर तो भालू होता है। अरे यार तलने का कुछ है कि नहीं, नहीं तो वहाँ जुगाड़ करना पड़ेगा पकोड़े। सबको पता पकोड़े में एक गाली भी होती है, बिना बिना पिए चढ़ गई है। आप सबने देखा हम खूब मजे कर रहे हैं, अभी साला पानी कहाँ से लगी समझ नहीं आ रही है, चारों तरफ पानी पानी है, फिर भी पानी ढूंढ रहे पानी। सब कलाकार बंदे देखो, गाड़ी पूरी फुल है पानी की, सब है, सब कुछ है। जितने सीटर गाड़ी है उतने सीट बैठी है। क्या ढूंढ रहे हम? पनीर। हाँ नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, लेने दो आगे गाड़ी, वहां से बकरी कोई मिल जाएगी दूध निकाल लेंगे। गाय बिठाल देते हैं लेफ्ट में रखो, अंदर ही डेयरी सामने। आपको कैसे पता बकरी हो गया? बकरी वाला महंगा होता है, अमूल दूध दही लिखा हो रहा सामने, जस्ट वो बोरी ना, वो राइट राइट तो बस यही रोक दो गाड़ी। आहा, तुम लोगों ने बहुत बुरा किया मेरे साथ। अरे काकरोचों का पीछा हमारा हो रहा है भैया, ऊपर से नीचे तक पसीने आ गए यार। अब तक में तो होगी तो शांति रख, अभी चलते हैं अपन, इन सारे काकरोचों की मारा हो जाएगी। ये 2.5 किलो का जब पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, आप उठ जाते हैं, आप शुभ कह रहे हो। किसका पैकेट चाहिए भैया ने कुछ बोला अभी लेने के लिए? नमकीन की, नमकीन 2 किलो और माचिस वाला डब्बा पूरा। माचिस किसके लिए यूज करोगे? आग लगाने के लिए। किसको? आज प्यार का दिन है और इस प्यार के दिन को जो अंग्रेजी में कहते हैं वही ये व्यक्ति है, लोडे लव। भैया क्या बोल रहे हैं? पूरा नाम प्यार दिवस बोल रहे हैं ना वो, तो उसको क्या बोलते हैं प्यार दिवस को? क्या लवडे लवडे। ब्रेड का पैकेट तो बड़ा वाला लाओ, आधा किलो लाओ पनीर यार, नंबर एक आधा किलो पनीर लाओ। अरे रुक जा हमारा भाई, रुक जा। और नमकीन आधा किलो पनीर, देखो 8 बंदे हैं और ये ब्रेड लाई है। अपन पब्लिक है, अपन जितने लोग आ गए जाओ, मैं कह रहा हूं। अरे तो मैंने पूछा ना इनको, आप छोटे छोटे टोपू ला रहे हो यार। सुनो, अरे कैमरा इधर का, माचिस लाया, ये देखो माचिस क्या लाया बताए, चालू है खाली। अरे देख के तो लग रहे यार, प्यार का दिवस अच्छा था कि नहीं? बहुत अच्छा था सर, आप इतने टैलेंटेड क्यों हो पहले ये बताओ। नहीं ये तो कूट कूट के भरा, लोग मानते नहीं है, जब भी जहाँ मिलता हूँ लोग कूट देते हैं। टैलेंट तो हमें कूट कूट के भरा हुआ है, पर क्या होता है जब भी हम लोगों को मिलते हैं पता नहीं क्यों वो हमें कूट देते हैं, इसलिए फर्क पड़ता है। बस पीछे से कहाँ हवा आई है, नीचे से कौन हवा भेजता है भाई? नहीं 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 आ रहा है, नहीं आ रही, नीचे से हवा नहीं आती। ये झूठ बोल रहे हैं, इनको ना कोई पसीना आ रहा है ना कुछ आ रहा है। अरे भाई ये देख, ये देख टपक रहा है, देख टपक रहा है, ये देख मेरी उतना गाड़ी से 1.5 लाख का। ऐसा ना वीडियो गेम खेल रहा हूँ मैं। <और आ रहे। laughs>
वीडियो गेम चलो उल्टी कर देंगे गाड़ी कर देंगे उसकी तो बहुत ज्यादा ले रही होगी पीछे पीछे वाले का भी ध्यान रखना अरे भैया पीछे वालों का ध्यान रखना राइट राइट अरे यार मेरा भाई लोग जब गाड़ी में किसी को पीछे बिठाते हैं तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए ध्यान रखना चाहिए मेरे भाई भाई लोग अरे सर डिक्की पीछे नहीं रह जाए आधे लोग पीछे बैठे हैं 25% तो है अरे यार तू आप अरे यार मेरे भाई लोग कुछ नहीं हो सकता अरे सर 30% पीछे अरे प्रभु हम उछल अरे बुढ़िया माता पीछे तक नहीं आ रहा अरे माता फूट गए अरे यार भाई गॉड अरे मेरा तो सर बाहर भी निकल जाएगा गाड़ी से ए दादा माता फूट गया बहुत जोर से क्या प्रभु सीधे ही चल रहा है सीधे ये राम ये तो बड़ी जाता है शायद अरे ये मेरे को कुशन लगवाने पड़ेंगे वापस से मैसेज करता हूँ आनंद को अरे ये ये लो ये लगा चिपका दो फेवी की भैया हाँ ये कुशन है ना पीछे हाँ ये है लगा यार और पता है मेरे दिमाग पे चोट लगना कितना महंगा है हाँ पूरा जिला बैठ जाएगा नीचे तो हका बल्ले बैठे मेरा जिला मेरा जिला बैठ जाएगा सारा पास कर रहा हूँ जिसकी कोई चिंता नहीं जिला बैठ जिला यार मतलब आदमी मर रहा हो तो भी कहेंगे यार बाद में मर जाना पहले मेरा काम करता है यार घूमने जाओ तो स्कॉर्पियो पे जाओ स्कॉर्पियो एन जबरदस्त गाड़ी है क्या गाड़ी चलती है आप अभी आपने देखा वालों के पसीने टपक जाए गाइस बहुत तड़ा व्यू है बहुत ही मजा आ रहा है आप भी देख रहे होंगे आपको भी मजा आ रहा होगा बस पहुंचने वाले हैं बहुत जल्द क्या बोला बोलेगा अब पसंद है तो क्या करना यार साड़ी वाली आ गई पसंद उसमें गलती क्या है वो तो है ना अट्रैक्शन है अट्रैक्शन हो गई हो गई तो हो गई क्या करे अब उसमें होता रहता है यार मौसम भी ऐसा है भाई बांस लेके जा रहा है दो बड़े बड़े इधर क्या वो जानवरों का वो थोड़ी चल रहा है क्या आपको क्या पसंद नहीं नहीं मैं पसंद करता ही नहीं किसी को विनोद जी की पसंद आपको आया कोई पसंद बस एक ही आई कौन बस उसके बाद कोई नहीं आई उसके बाद आदमी का मोह उठ जाता है क्या दिमाग है बंदे का यार क्या काउंटर कला बंदे ना आदमी क्या है कि एक ही बार परेशान होता है भैया पोंकना भैया पोंकना एक बार भैया पोंकना भैया पोंको अरे लेफ्ट साइड में आएगा वो बोर्ड चलने दो अभी भैया पोंको छत खोल रहे हो क्या व्यू है ये उदयपुर कम जम्मू कश्मीर ज्यादा लग रहा है अभी बारिश नहीं थी अभी बारिश हो रही है जबरदस्त अभी सदगो है सबसे बड़ी बात है सुनो अभी जो सबसे ज्यादा न्यूज ट्रेंड में चल रही है वो है ज्योति मौर्या की अभी एक नया केस आया है एक आदमी ने अपनी बीवी की पढ़ाई छुड़ा दी क्यों क्योंकि वो कह रहा है कि ये छोड़ के मुझे चली जाएगी फिर उसने लड़की ने केस किया कि मैं ज्योति मौर्या नहीं बनूंगी मुझे पढ़ने दिया जाए लेकिन क्या विश्वास है वो ज्योति मौर्या नहीं बने अरे एक सीडी ने तो लिख के स्टाम्प पे दिया 500 के पे नौकरी लगने के बाद भी अपने पसीने अरे बीवियों का तो भरोसा ही नहीं है भाई बीवियों का तो भरोसा ही नहीं है 13 मिनट और दूर उसके बाद हम क्या खाएंगे डेस्टिनेशन से पनीर कच्चा किसके ये इसके सचिन ये घास वाला ये तो वो वाला लड़का है ना ये तो वो वाला कौन सा क्या कहना चाहते हो ये वाला लड़का है ना तो यू क्या कर रहे थे यू मतलब ये अश्लीलता की हद पार रहे यार मुझे लग रहा है हीरो ये देने वाला है पुनीत जूते भी इसी के पड़ेंगे आज का हमारा हीरो कैसा होगा पुनीत वैष्णव जैसा हम पहुंचने वाले हैं चरना भी दिख गया है बस अब एंट्री चालू हो गई हमारी
अब सीधा हम झरने के बाहर जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे जबरदस्त व्यू। किस किस को बचाओगे, किस को बचाओगे? ए सचिन वो झंडा देख ले, वो देखो झंडा सामने दिख रहा है, सामने वाला वो इतना ऊपर एनी कट है वहां से गिरता है वो। आगे जा रहा है, चलो चलो अंकल जी आगे, आगे जाम है, थोड़ा आगे आगे जाम है, गाड़ी से चढ़ रही है, वो गाड़ी से चढ़ रही है। क्या बात है अंकल जी, नमस्कार। नमस्कार, कहाँ जा रहे हो? बस दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन करने? अभी बंद करो उसको, पीछे वो झरना रहा, उधर जाने वाले हम, एक नंबर जगह। ऊपर वाला झरना देखो, करना फिर से अपनी कलाकारी दिखाना। वाह यार, क्या टैलेंटेड बंदा है हमारे साथ। वाह, ऊपर वाला झरना, इस झरने पे जो आपको दिख रहा है, हम इस झरने पे जाने वाले हैं। वाह, ब्यूटीफुल, जबरदस्त। अरे अभी रोको, अभी रोको, उसको निकल जाने दो डिजायर पे, उसके बाद अपन निकलेंगे, वो फंसी हुई है। हाँ तो निकल जाएगा। अब इधर आओ तो स्कॉर्पियो लेके आओ, छोटी गाड़ी फंस जाती है ऐसे, देखो पीछे हमारे। अरे यार, हम फाइनली पहुंच चुके हैं, अभी हम आपको पूरा व्यू दिखाएंगे और उधर एंजॉय भी करेंगे, जो करेंगे सब दिखाएंगे। दो जान दो रोक दो, सो हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पे, ये रही मेरे पीछे लोकेशन। ओ माय गॉड, ये पुनीत भैया है और ये आपका नाम भूल गया मैं, प्रेम भैया, और टैलेंटेड बंदे हैं। एक बार अपना टैलेंट दिखा दो, कुत्ता एक बार, कुत्ता एक बार, कुत्ता एक, अब चिड़ी का। अरे अरे सुनो, उनको तो निकालो, उनको बंद क्या इनको बंदी कर दिया, इनको भी निकालो बेचारों को, वो इंतजार कर रहे हैं भाई। हम तो विचार कर रहे, भैया कैसा लगा एक्सपीरियंस? बढ़िया आ गया, बस पसीना ऊपर से नीचे। वाह यार, ये है कैलाशवर महादेव, जहाँ हम आ चुके हैं, अभी हम फुल एंटरटेनमेंट करने वाले हैं, जो भी करने वाले आपको सब बताएंगे। ये हम सब है, हमारी टीम है और हम सब मिलकर फुल एंजॉय करने वाले हैं। हर हर महादेव, हर हर गंगे। आ जाओ, पहले हम मंदिर में दर्शन करके आएंगे महादेव के। महादेव जी के दर्शन कर लिए, अब उसके बाद हम अच्छे अच्छी लोकेशन पे जाते हैं और कुछ बनाएंगे, वो सब आपको बताने वाले हैं। नहाएंगे बिना कपड़े के, नहाएंगे यार, मैं इसी जगह पे, अब आप कपड़ों की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको जबरदस्त लोकेशन दिखाने वाला हूँ, आप भी बोलोगे बट ए लोकेशन। टीम क्या कर रही है अभी इस पूरे अच्छे व्यूज में? भैया ये अभी पकोड़े तो लेके आए, अभी घर से क्यों लेके आए, इधर खरीद लेते पकोड़े। हैं यार, पकोड़े फ्रेश बनाएंगे तुरंत के। और कुछ आ रहे शेफ,
सर आपको क्या क्या बनाना आता है? आप जो बोलोगे पक्का। चलो हाँ, फिर निकालो सामान। ए से जेड तक सब कुछ बनाना आता है और उसमें सी तो बहुत अच्छा बनाता हूँ। वो नहीं बनाना, बाकी सब बनाना। देखो सामान। अरे चिली पनीर सी से है यार, तुम यार गलत चले जाते हो। महादेव शंभो आजा आजा। अभी हम जा रहे हैं अच्छी लोकेशन पे, इसके बीच में कुछ बनाएंगे, देखते हैं क्या बनाते हैं, वो फिर हम खाएंगे, खूब मजा करेंगे। आगे देखो वो सामान लेके जा रहे हैं, टेंट लेके जा रहे हैं, तंबू कैसे लगाते हैं, पीछे हमारे आधे बंदे आ रहे हैं, व्यू देखो कितना शानदार है, बट ए लोकेशन जबरदस्त है। आप भी कभी आओ अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, ऐसे आ सकते हो, चीजें ला सकते हो, जिसमें गैस है नहीं है, पता नहीं है, कोई एक्सरसाइज भी कर सकते हो। वो देखो पीछे हमारे तीन खतरनाक वापस वापिस आ गया है, मैं उस पार परेशान हो गया, उनको जगह ही नहीं मिल रही। महादेव ये एक्चुअली मैं एक बात बताऊँ आपके अंदर की, हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसी जगह बोलते हैं खड्ड चोई, जहाँ पे लोग सिर्फ क्या करने जाते हैं बता नहीं पड़ता। हम उधर टेंट लेके आए, अमीरों के लिए टेंट की जगह और गरीबों की जहाँ पे पेट खाली करने की जगह। एक्चुअली इस जगह में दो फायदे हैं, खाओ पियो फ्रेश हो जाओ, चेयर है। अब देखना, अब ये टेंट नहीं था, ये चेयर थी, इधर देखो ना नीचे कहीं जगह होता है आगे लगा दे, इधर ग्लास डालने की जगह है, इधर पानी का अपने कैमरा मैन को थोड़ा खिलाते हैं भाई, टेस्ट करना। टोफू है टोफू नहीं है, मिंद्रे चेक करना है, टोफू है करना, प्रोटीन भाई, पनीर है पनीर, इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन है। अरे पकोड़ा बनेंगे, बनेगा पकोड़ा, पनीर का पकोड़ा, पनीर ओनली आलू प्याज के पकोड़े बनेंगे, पनीर का तो चिली पनीर बनेगा अलग से। देखो सब ये एक्सपर्ट है, दो ये बना देंगे, मैगी ये बनाएगा, अपना क्या काटना वो बता। देखो ये बनाने में एक्सपर्ट है, लेकिन इनको बोलना प्लीज सी नहीं बनाना, बाकी सब बना देना। उधर देखो कला, देखो कला, देखो कला, देखो कला, तो पानी पता चला नहीं काटते। डेट दूं आपको कुछ अलग है? नहीं कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। नो हाँ पकौड़े के, अरे इधर पकौड़े के दो निकालेंगे और इससे में तो उधर चाय कॉफी बन जाएगी, कोई ज्यादा थोड़ी, दो बार के पकौड़े निकालेंगे खाली बस। सो इसको बोलते हैं फुली यूज ऑफ नेचर। अब हम एक एक चीज तो अंदर डाल दो, अरे भैया अंदर क्या पास देखो, ये भी एक टैलेंट है अंदर धोने का, लेकिन बाहर में मजा जो है वो अंदर में नहीं है। ये भाई एक बात बताऊं, ये इस वक्त तो पेट्रोल से भी महंगा है, इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसलिए इसको बहुत इस्तेमाल करेंगे प्यार से, थोड़ा थोड़ा इसको धोएंगे भी अच्छे से, ये चला गया तो नुकसान हो जाएगा। ये देखो पेट्रोल से महंगा है, ये मेरे को दिखा नहीं भाई, तू बहुत महंगा है यार, ये इतना कैसे दिया है यार, इतना पैसा खर्च कर दिया, मतलब खूब पैसा इन्वेस्ट किया है आज के इस ब्लॉग के लिए। मेरी टीम को बहुत बहुत बधाई, एक्चुअली उनकी स्कीमें अच्छी थी, मेरी ये गलत थी। वाह, इसको हम धो चुके हैं अभी, अब इसको वापस से हम कटवाई करके अब इसको हम अच्छे से कुछ बनाएंगे। आ जाओ चेयर अच्छी है ना, और लगे भाई उल्टा सीधा मत लेना इस पे, सुन ओ ये बहुत अच्छा एडवेंचर।
और वास्तव इसका घर पे तो कभी खाना बनाया नहीं है, पर यहाँ उसका हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं। अरे खुद फेंक गया लगा भाई, तेरे हाथ से लगा। इसके करने के लिए क्या करना? इको फ्रेंडली प्लेटें, इसको बोलते हैं इको फ्रेंडली प्लेटें। लकड़ी चाहिए मुझे तो खाली पतली वाली, बाकी डाल दो। नेचर द्वारा बनाई हुई, इसमें सब कुछ नेचुरल ही लगा, नेचुरल का मैगी में तेल कौन डालता है भाई? ये चलेगी प्लेट पे कर देंगे, ठंडा होगा तो। हां सब हो गए, मिर्ची आ रहा है। ये हमारा नाश्ता है आज के, किसके पकोड़े? आलू प्याज मिर्ची के पकोड़े। तेल हो गया गरम, अभी नहीं हुआ। फन के पकोड़े मेरे भाई, आपने क्या डाला है? ओड़के पोड़ के पकोड़े, ये मैंने नमक डाल रहा हूं। अब देखो आप देखे जाओ, एक एक करके सारी चीज। ये देश का नमक है मेरे भाई लोगों, जो खाएगा मजा आएगा। ठीक है, मिर्ची के साथ में नमक, नमक के साथ में अब देखो आप अजवाइन, ये आपके पेट को बढ़िया करता है, पाचन तंत्र फर्स्ट क्लास रखता है, और कोई भी आपकी वादी हो उसको निपटा देता है। इसलिए हमारे देश में मसालों का बहुत उपयोग बताया गया है, और अंग्रेज इसी में पीछे रह गए थे। यहाँ पे आके केवल मसाला लेके गए, सोने के भाव का बिकता था ये, और इसकी कोई कदर नहीं करता हमारे देश में। थोड़ा पानी, थोड़ा थोड़ा मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, डालते जाओ, डालो डाल जाओ, और डालो। और ऐसे दोस्त मिलते गए जो कभी काम करने नहीं दिया। अभी जैसे यहाँ भी आया, सो रहा काम करूँ, परिंद जी काम कर रहे हैं। अब मुझे लग रहा मुझे खाने ही है, अभी ब्रेड खा रहा हूँ, थोड़ी देर पकौड़े खाऊंगा। भैया अभी काम करने का मौका ही नहीं मिला, यहाँ पे भी नहीं हो, घर पे भी नहीं है। भगवान की दया से, अच्छा भगवान की दया से सब अच्छे मिलते गए। तो गाइस ये है पकौड़ा इन, कौन सी प्लेट है? नेचुरल प्लेट है, खाकरा, 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 खाकरा है, खाकरा, ये खाकरा है, पकोड़ा नहीं है। ये अभी हम पहले भगवान को देंगे, नदी को, ये हमारी तरफ से। और अभी हम खाएंगे। लो महेंद्र, लो इधर रख दो, तो ये पत्ते वाला चेंज कर दो, वो आटा चेक करता हूं कैसा है, पत्ते आनंद आएगा। नहीं नहीं वो उधर देना, आपको वास्तव में यार बंदा शेफ है, डिलीशियस। ये उधर रख दो भैया, मैंने चखे भी नहीं है, पता है मसाला नहीं पका है, कुछ भी नहीं पका। खाकरा, खाकरा आखरे के पाने, मजा आ गया भाई। बड़े दिन के बाद खा रहा हूँ, बहुत टेस्ट में आया भाई ने। अरे भाई हम भी है, अभी टेस्ट करो, अभी टेस्ट करो, बताना। जोरदार, अभी तो खाया नहीं है पर पहले ही दिख रहे हैं, शक्ल देख के लग रहा है। आनंद आ गया, नेचर के साथ पकोड़े खाने का आनंद ही अलग है। ये पकोड़े घर पे खाओ आप, टेस्ट नहीं आएगा। नदी में रही है, मिर्ची का कुछ बना रहे हैं भाई, पता नहीं क्या बना रहे हैं। हमारा काम है काटना, आप देखते हैं क्या बनता है। निकलो निकलो निकलो, हो गए भरा नमक, भरा भर दिया नमक, आप दे लो, दे दी इनको, डालो, मजा आ गया, डालो उसमें। खूब सारा नमक डाला, टेस्ट करते हैं। क्यों टेस्ट में? लो खाओ, बहुत टेस्टी है, आप खाओ। और मिर्ची स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होती है, आपको हर दिन रोटी के साथ मिर्ची खानी चाहिए। ये देखो मेरे पास आ गई, चिली पनीर के लिए पनीर पकौड़े तैयार हो रहे हैं। इसके बाद इस पकौड़े जो बनेंगे इससे हम चिली पनीर बनाएंगे, फिर आप उसको आनंद से खाएंगे तो मजा आएगा। कड़क ठीक है, ये और करोड़ के पकौड़े। सो गाइस ये था हमारा ब्लॉग, अब आई होप आपको मजा आया होगा, हमें खूब आया, आप भी एंटरटेनमेंट हुए होंगे। सो आज का ब्लॉग यहीं खत्म होता है, अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।